नमस्ते मित्रों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग भी होने वाला है वर्क फ्रॉम होम। मैं जब भी व्लॉग बनाने शुरू करती हूँ ना, मेरा वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा होता है। अभी फिर से अगस्त की सेल लग पड़ेगी। जब हमारी ये सेल होती है ना अमेज़न की, तो फिर हमको वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है। ये हफ्ता पूरा वर्क फ्रॉम होम जाएगा, इसीलिए अभी जो भी व्लॉग आएंगे वो सारे वर्क फ्रॉम होम वाले आएंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। पहले घर की सेटिंग करूंगी, यू नो सारा मॉर्निंग रूटीन तो यही चलता है। प्लांट्स को वाटर वगैरह दूंगी, फिर मैं जा रही हूँ किचन में थोड़ी सी ब्रेकफास्ट की प्रेपरेशन। ब्रेकफास्ट में तो भी आंटी आएंगे, तो उससे पहले मैं थोड़ी सी प्रेपरेशन लगी हूँ करने, क्योंकि मैं सोच रही हूँ आज मैं बनाऊंगी इंस्टेंट ढोकला, और वो भी उसमें शुगर सिरप नहीं डालूंगी, वो बस इडली वाले में उसको बॉईल करके फिर मैं उसमें तड़का लगा दूंगी। तो उसके लिए जो वो मिक्सचर बनाना है ना, उसको थोड़ा सा रखना पड़ता है फॉर लाइक हाफ एन आवर। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ जब तक आंटी आती तब तक मैं एटलीस्ट मिक्सचर प्रिपेयर करके रख दूँ। और इसकी रेसिपी मैंने मांगी है मम्मा से, सुबह सुबह मैंने फोन किया, क्योंकि ये मम्मा बनाती थी। वहाँ जाओ ना फिर, जी आपने देखा होगा व्लॉग्स में ढोकले कुछ कुछ मम्मी नई नई चीजें बनाती रहती है, तो वो मेरा बड़ा मन करता था आज खाने का। तो फिर मम्मी से मैंने रेसिपी ली, वो पूरी नोट डाउन करके रखी है, अब उस हिसाब से मैं सब कुछ तैयार करती हूँ। रेडी फॉर द डे, मैं हुई हूँ नहा धो के तैयार। मेरा काम सारा खत्म हो गया है और टाइम हुआ है अभी 9:30 से थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो बस अभी मैं पूजा करूंगी, उसके बाद अपना ऑफिस का काम स्टार्ट कर दूंगी ब्रेकफास्ट करके। और पीछे मेरा वर्क सेटअप, ये हमारा न्यू टेबल है, मैं आपको दिखाती हूँ, हमने रूम में रखा है, नया सेटअप है। रूम तो आपने पहले ही देखा हुआ, अब आपको पता होगा ये जगह खाली थी, तो हमने यहाँ पे अब ये टेबल रख दिया है। और जो दूसरा टेबल था वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जो दूसरा रूम है ना वो हमने तैयार कर दिया है। अभी मेरे मम्मी पापा आएंगे मतलब इन लॉज, तो उनके लिए हम ये रूम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये देखो हमने सेटिंग चेंज कर दिया, पहले बेड यहाँ था, टेबल उधर था, तो अब हमने चेंज कर दिया, ऐसे ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है, पूरी बेडरूम वाली फीलिंग आ रही है। तो बेड यहाँ लगा दिया है, ये एक न्यू कबर्ड ली है हमने, और ये तो पुराना वाला टेबल है, तो इस पर हमने टीवी रख दिया ये, ताकि यहाँ पे भी जो भी आएंगे उनको, मतलब मम्मी पापा आ रहे हैं या मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पे आराम से ये रूम में अपना जो भी टीवी वगैरह देखना है वो देख सकते हैं। खाना भी हमारा बन चुका है, ये रही दाल माँ चने की, साथ में बनवाए हैं चावल, इसमें क्या है, इसमें है चटनी, क्योंकि यहाँ पे बन रहे हैं मेरे ढोकले। इसको ठंडा होने दो, फिर मैं निकाल लूँगी खुद ही, नहीं तो टूट जाएगा। तो बस ये इंस्टेंट ढोकले जो मैं बोल रही थी मम्मी की रेसिपी है वो, बस इसको मैंने तड़का लगाना है। और ये रही भिंडी, इसकी मैंने बनानी है खट्टी भिंडी। तो मैं ब्रेकफास्ट बता रही थी ना मेरी मम्मी वाला, तो थोड़ी सी इसकी शेप ऐसी सी आई है, बट चटनी एकदम अच्छी बनी है। और ये है हमारे इंस्टेंट ढोकला तड़का लगा के। तो बस अभी ये मैं ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ, साथ में टीवी पे कुछ लगा लेती हूँ, फिर आई विल कंटिन्यू विद माय ऑफिस वर्क। मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली है फॉर लंच, तो लंच में तो मैंने आपको दाल वगैरह दिखा दी थी, दाल चावल, और फिर मैंने बनाई थी खट्टी भिंडी, उसकी रेसिपी मैंने शॉर्ट्स पे शेयर की है, तो वो आप लोग देख लेना। दिस इज माय लंच, अभी यहाँ पे बैठ के देखती हूँ मजे से, बस अपना ये पुराना ही मैंने टीवी शो लगाया हुआ है फ्रेंड्स, यही देख रही हूँ, ऑन लूप यही चलता रहता है बैकग्राउंड में। सो हेलो गाइस, जैसे ही व्लॉग स्टार्ट किया ना वहाँ से ट्रेन आ गई, वहाँ से स्कूल का जो फंक्शन है क्योंकि कल इंडिपेंडेंस डे है, तो वहाँ से उधर से वो ड्रम वगैरह बज रहे हैं, वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पूरा बैकग्राउंड में आपको आवाज़ पता नहीं सुनाई दे रही है कि नहीं, अगर दे रही है तो कमेंट करके बताओ। तो गाइस आज मैं घर पर ही हूँ, और अभी ना एक पार्सल आया है नायका से, तो ये मेरा राखी गिफ्ट आ गया। तो मेरे भाई ने मेरे को बोल दिया था कि नायका से पार्सल भेजा है, वो रिसीव कर लेना, एड्रेस वगैरह दे दिया था मैंने, तो खोल के देखते हैं कि क्या मेरा राखी गिफ्ट आया है। तो खोलना ही ना इतना बड़ा टास्क है, एंड आई एम वेरी बैड एट अनबॉक्सिंग। फाइनली खुल तो गया है, ओके। एक ये है ग्रीन कलर की किट है, ऑलराइट। चलो इसी में है गिफ्ट, ओके। ये किट है इनिस फ्री की, अब ओपन करके देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो मैं एक्चुअली इनिस फ्री के ही प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। नेक्स्ट ओके, तो एक तो आया है ये, दिस इज इनिस फ्री का क्लेंजिंग फॉर्म, मतलब फेस वॉश है। ऑलराइट, और भी कुछ है,
सो गाइस एक और चीज है, ये है क्ले मास्क एंड देयर इज समथिंग एल्स। नहीं ये तो ऐसे ही है। ओके अच्छा एक ये भी है बड़ा क्यूट सा, एक साइड ऐसे स्पैचुला जैसा और एक साइड ये स्क्रबिंग के लिए ब्रश है, एक साइड ये है। आई लाइक इट, क्यूट सा है बड़ा। और बाकी तो ये किट है, तो मेरे को तो मेरा राखी गिफ्ट बड़ा ही अच्छा लगा। थैंक यू। एंड गाइस दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल, क्योंकि इनिस्फ्री आपको पता है कोरियन ब्रांड है, तो वहाँ से तो मेरे को स्पॉन्सरशिप नहीं मिलने वाली है। तो आज ही गिफ्ट आया इसलिए मैंने सोचा व्लॉग भी मैं बना रही थी, तो कल का मैंने बनाया था, फिर आज मैंने सोचा चलो अनबॉक्सिंग से ही आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ। फाइनली अब इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी आ रही है, और जो आपको बताया था पहले सेल लगी थी ये इंडिपेंडेंस डे वाली, वो खत्म हो चुकी है, तो उस पर जो काम किया था, तो फिर अब ये थोड़ा हमको लंबी छुट्टी मिल गई है। 15 को थर्सडे, फिर फ्राइडे को 16 है, तो 4 दिन की छुट्टियां मिल गया। मैं खूब आराम करने वाली हूँ इन छुट्टियों में। दो पार्सल इकट्ठे आ गए, एक ये आया पहले नाइका वाला, अभी ये दूसरा भी आ गया है। ये मैंने अमेजोन से मंगाया था, ये मैंने थोड़ी क्रॉकरी वगैरह काफ़ी घर का सामान मंगाया था। दूसरे रूम के लिए मैंने फ्रेम्स मंगाए थे, उसकी सेटिंग भी चेंज कर दी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छी पैकिंग है, सिक्योर्ड है, तो अभी चेक कर लेती हूँ कोई टूटा तो नहीं है। ये है, ये देखो, ये डेजर्ट बोल मंगाया मैंने। तो लेडीज़ अगर आपको अच्छे लगा और आपको लिंक चाहिए तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका डाल दूंगी। ये देख लो बोल है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को, यूनिक सी शेप है इसकी। इस रूम की सेटिंग तो मैंने आपको दिखाई दी थी, ये वॉल खाली थी तो इसके लिए मैंने ये मेटल फ्रेम्स मंगाए हैं। आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है अब आप लोगों को ये रूम। और यहाँ टीवी रखा ना, अब ये वाली वॉल खाली है और ये जगह एक खाली है, तो यहाँ के लिए भी मैं कुछ मंगाऊंगी, ज्यादा नहीं। मे बी यहाँ पे एक वॉच क्लॉक आ सकती है, यहाँ पे एक मिरर आ सकता है। नो नो इट्स नेवर एवर 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 गोना हैपन, आई डोंट थिंक सो, नो 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 I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, no, no.